तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है वो बेसिकली लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कस्टमाइज्ड डायलॉग बॉक्सेस, कस्टमाइज्ड डायलॉग बॉक्सेस जिसमें हमने आपको मैसेज बॉक्स, इनपुट बॉक्स एंड ब्राउज बटन, साथ में हमने दो प्रोजेक्ट्स भी किए थे अगर आपको याद होगा तो। हम मूव कर रहे हैं यूजर फॉर्म की तरफ। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था क्लासेज अपनी कोर्सेज तो मैंने बताया था कि हम माइक्रो की जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है उससे हम बनाते हैं माइक्रो फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म। तो माइक्रोज को हमने सीखा, हमने फंक्शंस को सीखा, अब बारी आती है हमारी यूजर फॉर्म को सीखने की। ठीक है, तो माइक्रोज और इसमें फंक्शंस में माइक्रोज हमारा मेन था जिसके जरिए हम प्रोग्रामिंग को सीखा, फंक्शंस में हमने प्रोग्रामिंग को फॉर्मूले में अप्लाई करना सीखा। अब बात आती है कि हम यूजर फॉर्म में अपनी माइक्रोज प्रोग्रामिंग को यूज करना सीखे, जो भी हमने प्रोग्रामिंग पढ़ा। तो मेन हमारा माइक्रोज ही है, हम उसी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि यूजर फॉर्म है क्या और इसका यूज कहां होता है। दो चीज जानना जरूरी है सीखने से पहले। यूजर फॉर्म इंटरफेस है, जैसे आप बहुत सारे एक्सेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह के डायलॉग बॉक्स आता है। ये डायलॉग बॉक्स क्यों आता है? ये डायलॉग बॉक्स आता है ताकि आप अपने आपके जो फीचर्स है या जो भी इनपुट्स ले रहे हैं या फिर जो भी आउटपुट दे रहे हैं वो वैलिडेट कैटराइज होकर मिल पाए, स्टेप में मिल पाए, इसलिए। ठीक है, अब इस तरह के जो हमारे ये है, हेलो प्लीज म्यूट कर लें। इसी तरह के जो हमारे ये होंगे यूजर इंटरफेस होंगे, उस यूजर इंटरफेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यूजर इंटरफेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म की हमारी पहली क्लास है तो सबसे पहले यूजर फॉर्म में दो चीजें दिखाने, एक चीज जो मेन होती है वो होती है आपका डिजाइन और दूसरा होता है इवेंट। डिजाइन मतलब उसको बनाना, फॉर्म को तैयार करना, और इवेंट की कौन सा कोडिंग किस इवेंट पे क्लिक अप्लाई होगा। मैंने बटन बनाया तो बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा माइक्रो कोड रन होना चाहिए। इन यूजर फॉर्म इनपुट बॉक्स पे जब क्लिक करें या उस पे क्लिक करें तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप यहां देख रहे हैं, जब भी आप बनाते यूजर फॉर्म लेते हैं, यहाँ पे यूजर फॉर्म वन मॉड्यूल जहां से लेते हैं उसी से आप यूजर फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बटन होता है यूजर फॉर्म का जो साइज ये आता है। अब इस साइज इसके साथ आपको टूल बॉक्स भी आएगा, तो ये भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉप बॉक्स से हम अपने जो भी हमारे कंटेंट है वो कंटेंट को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। यूजर फॉर्म की सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। यूजर फॉर्म को आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर को करते हो उसी तरीके से। तो जो इनपुट बॉक्स जिस साइज का कुछ चाहिए आप उसी साइज का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं या ले सकते हैं जिस साइज का आपको चाहिए। उसके बाद इसकी भी एक
जब जो भी यार ये जो प्रॉपर्टी बार आप देख रहे हैं ना, अभी तक हमने प्रॉपर्टी बार का यूज नहीं किया था। अब जैसे कि जो भी इवेंट भी हम सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ आएगी और उससे रिलेटेड चीज जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले ये जो ऊपर यूजर फॉर्म लिखा हुआ है तो इसके भी दो नेम है, कैप्शन नेम जो यहाँ आपको दिखता है और प्रॉपर्टी नेम जो यहाँ होता है, तो इन दोनों को चेंज कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? तो पहले हम बात करते हैं प्री नेम का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन्फो। तो देखिए यहाँ इन्फो हो गया। दूसरा ये जो यूजर फॉर्म है, मान लीजिए कि यहां पे गेट इन्फॉर्मेशन जो भी टाइटल देना चाहते हो टाइटल आप दे दीजिए यहां से, कैप्शन से। उसके बाद इसकी कलर, जैसे इसकी अगर कोई बैक कलर को अगर आप यहां से बहुत सारे कलर्स पहले से हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आता तो आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर के हिसाब से देखने को मिलेगा। यहां से आप उसकी बैकग्राउंड जो पैटर्न है वो पैटर्न को चेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद इसकी जो बॉर्डर कलर, मान लीजिए कि इसको आप एक्टिव बॉर्डर कर दीजिए या फिर कोई और कलर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फॉन्ट क्या होना, कैसा होना चाहिए, बाकी चीज आपने टाइप कर रखा है, या कुछ पिक्चर्स इसके माउस का आइकन इस पे कैसा होना चाहिए वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से आइकन ले सकते हैं कि कैसा आइकन होना चाहिए। या माउस पॉइंटर, अगर इसमें हमने 0-1 कर दिया तो जब प्ले करेंगे इसको तो इसके ऊपर माउस पॉइंटर अपने हिसाब से देखिएगा। तो माउस पॉइंटर और माउस आइकन को यहां से सेट कर सकते हैं। पिक्चर, जैसे इसके बैकग्राउंड में मान लीजिए कुछ पिक्चर आप सेट करना चाहते हैं तो इसके बैकग्राउंड में आप अपने हिसाब से पिक्चर सेट कर सकते हैं। पिक्चर का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए वो यहाँ इस पे, इस थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको और दिखेगा, ये छोटा रहना जरूरी नहीं है। पिक्चर की अलाइनमेंट, तो ये सब चीजें जो है इसके ऊपर होता है। अभी बात करते हैं स्क्रॉल बार। जैसे आपने बहुत सारे चीज ऐसा डाल दिया जो कि इतने एरिया में नहीं आ रहा है तो स्क्रॉल होगा तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज है आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते। अब बात करते हैं टूल बॉक्स की। ये आपका माउस पॉइंटर है, ये आपका आता है लेवल, मतलब कि इसके जरिए आप अपने यूजर फॉर्म पे कुछ भी मैसेज को लिख सकते। ठीक है, और इसकी भी पूरी फॉर्मेटिंग जो है यहां से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसका फॉन्ट पे गया, इसकी साइज बड़ा करना है तो मैंने इसके बोल्ड किया और साइज को हमने 16 कर दिया तो बड़ा हो गया। ड्रैग कीजिए तब पूरा दिखेगा और इसको उठा के अपने जहां पे जैसे रखना चाहते हैं रख सकते हो। ठीक है सर, तो लेवल, लेवल पे लिखा हुआ वैल्यू उसको कैप्शन कहा जाता है। अगर आप यहां से ना लिख पाए तो आप इस लेवल 1 के कैप्शन, आप
इस कैप्सूल के जो है वो आप इसको कर सकते हो, इसका ये बैक टू और फॉरवर्ड ये सब चेंज से कर सकते हो, ये तो आपको देखने से आइडिया लग जाएगा। तो जो कैप्सूल इस पे लिखा हुआ वर्ड कैप्सूल का बात है, लेवल लेवल के बाद हमारा आता है टेक्स्ट वर्ड, मतलब अगर आपको किसी से इनपुट लेना है तो मतलब कि यूजर को लिखने का जगह आप देना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल होता है, और टेक्स्ट बॉक्स का हेडिंग के लिए हम लेबल का इस्तेमाल करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के बाद दूसरा आता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स तो आप जानते ही हैं, कॉम्बो और इसका भी हेडिंग के लिए हम यहां से लेबल इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स मोस्टली एक ही जैसा होता है। लिस्ट बॉक्स में लिस्ट खुल के आते हैं, कॉम्बो बॉक्स में हमें ड्रॉप डाउन करने पड़ते हैं। ये आपका जो होता है चेक बॉक्स, कि अगर आप कुछ चेक बॉक्स क्लिक करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, और इसका मैटर आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसी में आपका ये ऑप्शन बटन होता है, क्योंकि याद रखिएगा जब भी आप ऑप्शन बटन का इस्तेमाल करें तो मेरा यही सलाह होता है बच्चों का कि आप लोग इसको ग्रुप में जो फ्रेम है ना, फ्रेम में फ्रेम को ड्रॉ करें। फ्रेम वन हेडिंग है, इसको आप चेंज कर सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, अब इस फ्रेम में इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अलग अलग कैटेगरी है तो इसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, सिंगल कैटेगरी में फ्रेम ना भी लो तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी हो तो जरूरी होता है, ठीक है ना। इसमें आप एक से ज्यादा भी ड्रॉ करेंगे तो एक दो तीन इस तरह से होता है, जैसा आपने इसमें किया था डायनेमिक चार्ट में, याद होगा आप लोगों को क्या। उसके बाद अगला जो आपके पास ये ऑप्शन है, ये होगा चेक बॉक्स, सेव बटन, तुलना बटन। ये होता है जैसे कि अब YouTube पे ही आप कोई वीडियो देखते हो तो ये बटन दिख रहा है ना, इसी से प्ले होता है और इसी से पॉज होता है ना, तो उसी तरह का सिस्टम बनाने के लिए आपका ये तुलना बटन चलता है। सेलेक्ट किया और इसमें क्लिक करने पे पॉज प्ले का ऑप्शन होता है, एक ही बटन सारा होता है। और ये जो आपका आता है ए बी, ये होता है आपका कमांड बटन, जैसे कि सबमिट ओके ऐसे कोई बटन आपको बनाना हो तो उसके लिए आप कमांड बटन ले सकते हैं। ठीक है, कमांड बटन, कमांड बटन के बाद ये आता है इसका टैब स्किप। टैब स्किप से मान लीजिए कि आपको एक या दो टैब के बारे में बताना हो, जैसे कि हम लोग इंटरनेट पे वेबसाइट जब वेबसाइट वगैरह में आप देखते होंगे कि कई सारे टैब होते हैं यहाँ पे, कि टैब वन टैब टू टैब थ्री इस तरह से। इस टैब वन को आप ज्यादा चेंज कर सकते हो कि ये है वो है, और दो टैब है इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप न्यू पेज तीन चार टाइप चाहिए तो तीन चार टाइप, लेकिन इसके लिए वो विजिबिलिटी वगैरह देना होता है। लेकिन टैब यूज करने से अच्छा है कि हम अपने जो स्टूडेंट है उनको सलाह देते हैं पेज 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 का फायदा क्या होता है कि अब जैसे कि आप लोग एक्सेल पे ही, मैं एक्सेल बोलता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेव करते हैं,
यहाँ पे देखा आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दिखेंगे, इस पे क्लिक कर रहे हो तो इसके ऑप्शन, इसके ऑप्शन। तो इस तरह की चीजें बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने मान लीजिए कि यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स दे दिया और फिर हमने दूसरे पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं कुछ और दे दूंगा, मैं यहाँ पे कॉमा बॉक्स दे दूंगा, यहाँ प्योर फॉर्म रहेगा। और टैब चाहिए तो राइट क्लिक करके न्यू पेज कीजिए, यहाँ पे और टैब आ जाएगा आपको चेकबॉक्स का। जब ये प्ले होगा तो ये आपका अलग अलग होगा, ठीक है। तो पेज का इस्तेमाल यहाँ से करते हैं। इसके बाद ये आता है स्क्रॉल बार, कि कभी अगर आपको स्क्रॉलिंग करने की जरूरत पड़े तो आप स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इमेजेस की। अब सर इमेजेस के लिए तो हमने यहाँ पे यूज किया इमेजेस, लेकिन ये जो इमेजेस है ये बैकग्राउंड इमेजेस है। आप यूजर फॉर्म के ऊपर कोई इमेज लाना चाहते हो, इमेज को एम्बेड करना चाहते हो। आपने एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाया और उस स्टूडेंट के फॉर्म पे आप चाहते हो किसी का, मान लीजिए कि आप चाहते हो स्टूडेंट का रोल नंबर लिखूं और उसका फोटो भी इसके सामने, तो उस केस में हम इमेज का इस्तेमाल करते हैं। इस पे हम इमेज लोड करेंगे, यहां नीचे होता है पिक्चर, इसके थ्रू या कोड के थ्रू भी हम करते हैं। अभी पिक्चर देखा आपने, ये पूरा नहीं दिख रहा है, पिक्चर साइज में आप स्ट्रेच कर ले तो छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। पिक्चर, अब ये आता है रेडिस, जैसे कि आप कोई यूजर फॉर्म इंसर्ट कर रहे हो और आपको यूजर से क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, किस चीज का, रेफरेंस। जैसे आप लोग फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसमें करते हैं ना आप लोग, ये रेडिस उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप फॉर्मूला कोई अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें ये दिख रहा है, आप वापिस क्लिक करके आप फॉर्मूला ले लेते हो और एड्रेस लेते हो, एड्रेस फॉर्मूला में चला जाता है। उसी तरह से अगर आप अपने इनपुट अपने यूजर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें और अपना इनपुट ले लें, इस पे क्लिक करें और उसमें चला जाएगा। तो इसके लिए हमारे रेडिस कंट्रोल इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कि जो टूल बॉक्स में ये चीजें हैं, हो सकता है किसी से बहुत सारी कुछ चीजें आपके सिस्टम पे ना हो या हो, ठीक है। तो इसके अलावा और भी चीजें ला सकते हैं आप, इस पर राइट क्लिक करें और एडिशनल कंट्रोल पे क्लिक करें। एडिशनल कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और भी नई चीजें मिलेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ब्राउजर क्लास बटन बार कमांड डायलॉग कंटेक्स्ट सेलेक्टर बहुत से कमांड के लिए है लेना पड़ता है। तो कैलेंडर था ना, कंटेंट सिलेक्टर सर कैलेंडर उसमें है मेरे ख्याल से ऑलरेडी, देखना नहीं इसमें कैलेंडर नहीं था, कैलेंडर सेकेंड रो में फर्स्ट कौन सा है ये? तो ये तो वो है आपका फ्रेम जो मैंने बटन पे बताया था, कैलेंडर होता है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे चीजें होते हैं कि नहीं होंगे आपने, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका वर्जन उसको सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि इसके पीछे इसका ये कोडिंग होता है। देखिए दिखा है लोकेशन, दिखा है आपको, जो कुछ सिलेक्ट करते हो ये देखिए, ये इसका फाइल सिस्टम होता है, दिख रहा है आपको। या अगर फाइल सिस्टम नहीं होगा तो नहीं अपलोड होगा, अगर फाइल सिस्टम में दिक्कत है, इसमें भी शो कर रहा है और वहां आपका नहीं सिलेक्ट कर रहा है, मतलब कि वो आपका नहीं चल रहा है इसलिए।
जी मैंने वेब ब्राउजर ले लिया। नहीं इसमें मैं विंडो मीडिया पे ले लेता हूँ। दो चीज मैंने ऐड कर दिया, एक वेब ब्राउजर एक मीडिया प्लेयर। तो वेब ब्राउजर से क्या फायदा हुआ कि मैं यहाँ पे इंटरनेट चला सकता हूँ। इसकी यूआरएल यहाँ पे होगा, नहीं वो देना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ता है, कोड के थ्रू होगा, इसमें नहीं होता है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो नेविगेशन नहीं डाला हुआ, नेविगेशन डालूंगा तो आ जाएगा। उस तरह से आप जो है इसमें विंडो मीडिया प्लेयर है, आप वीडियो वगैरह चला सकते हैं, ये चीज यहाँ पे देते हैं। अब मान लीजिए कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि मान लीजिए डीटीपी का डेट क्लिक कैलेंडर नहीं, कैलेंडर कंट्रोल नहीं, तो अब मुझे कैलेंडर कंट्रोल लाना है। तो हम गूगल से ढूंढेंगे, उसका डीएलएल जो है डाउनलोड करेंगे। एक्सेल तो माइक्रोसॉफ्ट किसने किसी इस पे हो जाता है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसा बटन इंटरनेट से डाउनलोड करके आप यूज करते हो तो एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अब मान लीजिए कि मैंने अपने सिस्टम इसको इंस्टॉल कर लिया, मेरे सिस्टम पे चलेगा, बट आपके सिस्टम पे तो इंस्टॉल नहीं है। अच्छा MANCA कभी कभी यहां से भी करना पड़ता है, टूल्स पे जाके रेफरेंसेस में। इसमें जाके उसको लोड करना पड़ता है।
नहीं है इसमें, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ढूंढ के इंस्टॉल करना पड़ता है। थर्टीन में और सेवन में तो नॉर्मल था, आ जाता था, मैं डीटीपी कर लाना पड़ता था, ये तो आ जाता था अपने। आप देखिएगा आपके सिस्टम पे है MANCS। क्लिक द इंसर्ट टूल, एक्सेल डिस्प्ले पैलेट, प्लीज इंसर्ट। तो वही बता रहा है जब मैं बोल रहा हूँ। ढूंढ के से डाउनलोड करना पड़ेगा इसको। तो आप जो है मतलब कि बाहर के भी बहुत सारे पैटर्न चीज को आप अपने एक्सेल में लोड कर सकते हो। समझ गए रजनीकांत जी? तो भी इसको आपका यूजर फॉर्म को बनाने कैसे है? के उसका डिजाइन जरूरी होता है। आप लोग देखिएगा अपने हाँ सर, मैं सर्च कर रहा हूँ अपने वाले एक्सेल में, जस्ट अभी ओपन किया एक्सेल। से हमने एक बार डीडीपी कर को, जैसे कि डेट का जो ड्रॉप डाउन होता है वो इंस्टॉल इसके पहले सर एक बार मैं आपसे और कहा था सर, ये जो कैलेंडर वाला, याद किया। होगा आपको, काफी दिन पहले की बात है, तो हाँ लोग नॉर्मल कैलेंडर ऐड करे तो वो भी मेरे में नहीं आया था। हाँ नॉर्मल के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन 2007 है वो लोग, उससे लोअर वर्जन में जाएंगे तो आ जाता है। और दूसरी चीज है कि मैं ऐड करके भी करता था, कैलेंडर तो नॉर्मल आता था, लेकिन डेट पिकर जो था डीटी पिकर वो नहीं आता था, उसके लिए हमने ऐड किया था। लेकिन ऐड करने में प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो सिर्फ मेरे पीसी पे चलता था, किसी और के पीसी पे नहीं चलता। तो फिर हमने अच्छा, बोला कि जब हर किसी को ऐड करवाना पड़ेगा तो पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए हमने उसको भी ड्रॉप किया। ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो लेकिन फिर वो आपके पीसी पे चलेगा, बाकी पीसी पे नहीं चलेगा, राइट? तो फिर क्या सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका कि दूसरों पे भी चले? तो कैलेंडर तो वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल चीज है। सिंपल सी बात समझिए ना सर, अब आपने जो फीचर ऐड किया है तो आपके लाइब्रेरी में है ना, आपके पीसी सिस्टम में, दूसरे के सिस्टम में जाने के लिए दूसरे की तरह चाहिए ना। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक्सेल है तो सभी के पास वो चीज सपोर्ट करनी चाहिए। सर एक्सल, वही तो बोल रहा हूँ कि एक्सल का मिसिंग कंपोनेंट है, वर्जन टू वर्जन होता है, समझ गए ना, अपडेट टू अपडेट होता है, रिलीज टू रिलीज होता है। जिसके पास अपडेटेड वर्जन है एक्सेल का, उसके पास तो सारी आई थिंक अपडेटेड कैलेंडर का वर्जन, वही होना तो बोल चाहिए। रहा हूँ आपको कि अपडेटेड वर्जन में ही बहुत सारी चीजें, अभी 2007 में जो ये है जरूरी के सारे चीजें आपको 2016 में है, समझ गए। अब गाड़ी की देख लीजिए ना कि गाड़ी का आपका जो लोअर मॉडल होता है उसका जो टॉप मॉडल आता है, क्या लगता है लोअर मॉडल का सारा फीचर टॉप मॉडल में होता है? नहीं होता है, कुछ चीजें नहीं होती है। सेम थिंग आपके सिस्टम में भी होता है कि अगर आपने क्या है, एक्सेल की रिलीज होती है, एक्सेल पहले बना फिर दूसरे वाला उसकी रिलीज आए,
उसके अपडेट्स है, बहुत सारी चीजें होती है, स्टाइल से नहीं होता तो उसको ऐड किया जा सकता है। ओके अब चलिए इसमें हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो आप इसे आपने बना लिया, एक तो नॉर्मल जैसे आपने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हो, दूसरा इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो, फॉर्मेट में आप इसकी अलाइनमेंट बगा कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये से सही तरीके से अलाइन नहीं है, आप यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे अलाइन हो लेफ्ट, लेफ्ट में अलाइन हो गए, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ फॉर्मेट में आए, यहाँ लाइन में सेंटर कर सकते हैं, टॉप राइट मॉडल से कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हो आप। फिर मेक ए सेम साइज, देखिए कि आप देखेंगे इसमें कुछ चौड़ा है, कुछ कम चौड़ा है, कुछ ज्यादा चौड़ा है, तो हमने बोल दिया हाइट और विड्थ जो है सेम साइज का होना चाहिए, थोड़ा सेम साइज का होगा, ये फॉर्मेट आपकी जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने में मदद करता है। एसक्यूएल टू फिट, वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, सेंट्रल फॉर्म, ये चीज आपको यहीं पर आपको बेनिफिट देता है। ओके समझना है सर? तो फॉर्मेट में इसका ऑप्शन होते हैं। अब बात करते हैं कॉपी, जैसे मान लीजिए एक सेम ऐसा ही फॉर्म आप बना रहे हैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी कर देते हैं, तो कॉपी हो जाता है? जी नहीं, यहाँ कॉपी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक और फॉर्म इंसर्ट करेंगे, उसकी भी साइज सेम साइज करेंगे, फिर आप इस फॉर्म के सारे कंपोनेंट को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, देन कॉपी करेंगे और फिर इस पे पेस्ट करेंगे। समझ गया? लेकिन फिर भी मुझे उतना मजा नहीं आया, इतना करना, फिर इसकी फॉर्मेटिंग सिमेट्रिक चेंज करना पड़ेगा, कोई और तरीका होना चाहिए इसका सेम फॉर्म बनाने का। तो राइट क्लिक कीजिए, और एक तरीका है, लेकिन ये तरीका फिर दिक्कत होता है, फाइल के साथ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर फॉर्म को ही सेव करना चाहते हो, तो राइट क्लिक कीजिए, इसको आप कीजिए एक्सपोर्ट फाइल, ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे FRM फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट पे सेव कर दूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ इन्फो FRM के नाम से सेव, लेकिन ये विदाउट एक्सेल ओपन नहीं होगा। इसको ओपन कैसे करेंगे, तो वापस मुझे इसको यहाँ फाइल में जाना पड़ेगा और इसको इंपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, और इस फॉर्म को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी ऑलरेडी दो नाम से है इसलिए नहीं होगा, तो आपको एक नाम चेंज करना पड़ेगा। तो दो ही होगा, एक तो फॉर्म आ जाएगा, साथ में इसकी बैकग्राउंड की कोडिंग भी आ जाती है। जब भी आप कॉपी करते हैं तो उसका कोडिंग जो है कॉपी नहीं होता है, इसके बाद की भी आप ध्यान रखिए, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में उसका सब कुछ आता है। नेम चेंज कर दिया ना मैं, अच्छा और इसको कर रहा, जो प्रॉब्लम है सर एक सेम फाइल है इसका है सर, ठीक है सर। ऐसे इंपोर्ट, ऐसे आप मॉड्यूल को भी कर सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब बात आती है कि हमने डिजाइनिंग के बारे में तो सीख लिया कि किस तरह से डिजाइन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या सर अब इसकी हम कोडिंग कैसे करेंगे, इसके ऊपर कोड कैसे करेंगे, तो कोड हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एक एक फॉर्म बना के मुझे भेजिए,
ठीक है, तो फॉर्म का आइडिया अगर नहीं आ रहा होगा तो आप यूजर फॉर्म सर्च कीजिए गूगल के इमेज में, और इसमें जाइए जो फॉर्म आपको लगता है कि हाँ यार फॉर्म मैं बना सकता हूँ, ऐसी फॉर्म आप बनाएं और मुझे मेल करें, फिर मैं उसके ऊपर अपनी कोडिंग बताऊंगा। ठीक है रजनीकांत जी? ठीक सर। आप सभी लोग फॉर्म, अगर आपके पास कोई अपना यूजर फॉर्म है जिसका आप लोग काम कर रहे हैं तो वो आप चाहो तो वो भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप खुद से यूजर फॉर्म बना के मुझे दे सकते हो। मैं हर आपके जितने भी लोग यूजर फॉर्म भेजेंगे हर एक क्लास उस यूजर फॉर्म पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी से बैठ जाइए, बना के भेजिए, ताकि कल मैं आप लोगों के यूजर फॉर्म पे क्लास कि उसको कैसे यूज किया जाएगा डेटा का। ठीक है, तो यूजर फॉर्म एक तो डेटा आप स्टोर कर सकते हो कि हाँ सीट पे डेटा है तो उसको यूजर फॉर्म पे शो करके चेक करना, या फिर यूजर फॉर्म पे डेटा डालो सबमिट पे क्लिक करो तो किसी सीट किसी फाइल में डेटा चला जाए, इस तरह के यूज कर सकते हो। ठीक है सर? ओके, तो फटाफट बना के मुझे भेजिए ताकि मैं उसकी कोड की प्रिपरेशन करके कल आपको मैं बता दूं उसकी। ठीक है विश्वास जी? ओके सर।